अगर आप अपनी होटल की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे दी गई मेल आईडी पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको नीचे नंबर भी मिलेंगे, तो आप दोनों चीजों पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपनी होटल की वीडियो बनवानी है। और आइए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ सबसे यूनिक, सबसे अच्छा दरगाह बाजार में, इससे बड़ी प्रॉपर्टी, इससे बड़ा रूम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ताकि आप आएंगे और इनको बताएंगे कि भैया हम आपकी YouTube पे वीडियो देख के आए हैं, दीपांशु की वीडियो देख के आए हैं, तो आपको और थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है दीपांशु जोशी। बहुत सारी वीडियोस देखी होगी दरगाह बाजार में होटल्स की आप लोगों ने, पर आज मैं आपको लेके आया हूँ होटल साहिल के अंदर। और ये होटल क्यों सबसे अच्छी है, क्यों और इस होटल के अंदर आना चाहिए, क्या फैसिलिटी आपको इस होटल के अंदर मिलती है, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक बेडरूम इस होटल की खासियत है। अगर आप इस होटल के अंदर आ रहे हैं और आपको, आप फैमिली हैं, मानो आप करीबन 14-15 जने हैं और आपको एक ही प्रॉपर्टी चाहिए और अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए और प्राइस में चाहिए, सबसे पहली चीज यही है कि अगर आपको बजट आपका ज्यादा भी नहीं है और थोड़ा कम भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम बजट है, 15-16 जने आपको, और आपको अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, आपको वेल सेटल्ड आपको रूम चाहिए, बिल्कुल मेंटेन रूम चाहिए और दरगाह के पास में आपको प्रॉपर्टी चाहिए, तो यही वो प्रॉपर्टी जिधर आपको आना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको देख के शॉकिंग लगेगा कि इतना बड़ा रूम भी होता है क्या और इतना मेंटेन रूम भी बन सकता है क्या, तो वो सारी चीजें मैं आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर बताऊंगा। वेलकम टू द न्यू वीडियो दोस्तों, आज आपको मैं लेके आया हूँ होटल साहिल के अंदर और अब हम चलते हैं हमारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए। सारी फैसिलिटीज मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड के अंदर और प्राइस के साथ साथ हर रूम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर्टी के बारे में पता चले कि प्रॉपर्टी है कहाँ पर और हमको यहाँ पे आना क्यों चाहिए। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं हमारे पहले बेडरूम की तरफ। चलिए डबल बेड देखते हैं, आइए। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको डबल बेडरूम, पहले आपको डबल बेडरूम दिखाता हूँ। तो सबसे पहली फैसिलिटी आपको जो मिलती है वो मिलती है लिफ्ट की फैसिलिटी। मिलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और डबल बेडरूम में आपको वहीं दिखाऊंगा। हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ डबल बेडरूम। तो दिखाएंगे डबल बेडरूम सबसे पहले। तो इमरान भाई, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, डबल बेडरूम तो अपन देख ही लेंगे, मेरे को ये बताओ कि ये होटल दरगाह से कितनी दूर है? दरगाह से ज्यादा दूर नहीं है अभी। फिर भी अंदाजन कितनी दूर है भाई? 200 मीटर के करीब आपको दरगाह से दूर देखने को मिलती है प्रॉपर्टी। फिलहाल अभी हमको डबल बेडरूम दिखाएंगे इमरान भाई, किस तरीके का रूम आपको देखने को मिलता है मैं भी आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। सबसे पहले अंदर एंटर होती है आपको स्पेशियस रूम देखने को मिल रहा है, आपके सामने ही रूम है, आपको इस तरह का कुछ बेड आपको देखने को मिलता है, साफ सुथरा क्लीन रूम आपको देखने को मिलता है। आप इस तरफ आएंगे आपको टीवी कैबिनेट देखने को मिल रहा है और ऊपर एसी आपको देखने को मिलता है। प्राइस मैं आपको इसके भी बताऊंगा, तब तक वीडियो देखते रहिए। तो कुछ इस तरीके का आपको वॉशरूम देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं, आप एक बार देखिए किस तरीके का वॉशरूम आपको देखने को मिलता है। स्पेशियस रूम आपको और वॉशरूम आपको देखने को मिलता है इस होटल के अंदर। जो आपका डबल बेड का रूम है, जो डबल बेड की प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, डबल बेड की जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलती है करीबन 1200 से 1500 रुपए के बीच में आपको ये रूम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं स्पेशियस रूम है, आपको इसमें अपनी कबर्ड भी देखने को मिलती है, स्पेशली अगर आप कोई सामान लेके आ रहे हैं तो आप इस कबर्ड के अंदर रख सकते हैं अपना सामान लाके। तो जो दोस्तों अब हम चलते हैं, अब आपको थ्री बेडरूम दिखाता हूं मैं आपको। जो तो कुछ इस तरीके का आपको थ्री बेडरूम देखने को मिलता है, आप आ सकते हैं अंदर। तो कुछ इस तरीके का आपको रूम देखने को मिलता है थ्री बेड वाला। यहाँ पे आपको डबल बेड आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे सिंगल बेड आपको देखने को मिलता है। आप आइए मेरे साथ, आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है वो भी आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का आपको वॉशरूम देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का आपको थ्री बेडरूम का वॉशरूम देखने को मिलता है और जो भी फैसिलिटीज है, जो भी हमको चीजें इस प्रॉपर्टी के अंदर देखने को मिलती है, वो सारी चीजों के बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आपको मैं इसकी प्राइस बता देता हूँ। इसकी प्राइस जो है वो आपको मिलती है अप्रोक्स 1500 से लेके 1800 के बीच में आपको ये रूम देखने को मिलता है थ्री बेड वाला। तो चलिए चलते हैं इसके बाद, जो हमारे पास दो कैटेगरी रूम बचते हैं और हमारे जो सबसे मेन कैटेगरी वाला रूम है जो एट बेड है, वो मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो के अंदर बने रही क्योंकि एट बेड वाला भाई सही में मजा आ जाएगा देख के, क्योंकि बहुत ही मतलब एक्सटीरियर इंटीरियर सब चीजों में बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारा दूसरा रूम देखने के लिए, आइए। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फोर बेडरूम। जैसे कि मैंने आपको डबल बेड दिखा दिया, थ्री बेड दिखा दिया, सिक्स बेड इसके बाद हम देखेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ फोर बेडरूम, किस तरीके का आपको फोर बेडरूम देखने को मिलता है। तो सबसे अच्छा रूम मेरे को खुद को पर्सनली ये वाला लगा क्योंकि इसमें लाइट बहुत अच्छी है ना, ठीक है, तो वीडियो में लाइट भी बहुत अच्छी आएगी दिखाने में। तो कुछ इस तरीके का आपको फोर बेडरूम देखने को मिलता है इस होटल के अंदर। मेरे को सबसे अच्छी चीज जो लगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इस होटल में मेरे को एक ही चीज सबसे अच्छी लगी है, वो है इसकी सुंदरता भी कहूंगा और थोड़ा सा है ना जो क्लीनलीनेस है, साफ सुथरा, वो अच्छा है होटल। तो कुछ इस तरीके का आपको फोर बेडरूम देखने को मिलता है, स्पेशियस आप देख सकते हैं। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बाय चांस आते हैं और आप पांच जने हैं मानिए, ठीक है, तो आप एक
डबल बेड मतलब आप एक मैट्रेस भी लगवा सकते हैं, एक्स्ट्रा मैट्रेस लगवा सकते हैं, एक्स्ट्रा बेड लगवा सकते हैं। उसके लिए आप इनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा नीचे रिसेप्शन पे। आइए मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ, किस तरीके का वॉशरूम आपको इस रूम में देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके का आपको इसका वॉशरूम देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इस रूम के अंदर आपको एक और फैसिलिटी देखने को मिलती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको मिलती है आपको आपकी बैल्कनी। तो आइए दोस्तों, कुछ इस तरीके की आपको बैल्कनी मिलती है, छोटी सी है बट ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। आप देखिए एक बार बैल्कनी किस तरीके की आपको देखने को मिलती है, कुछ इतनी मतलब थोड़ी सी आपको सारी पूरी नीचे की रोड वोड चलती रोड देखने को मिल जाएगी, आपको डेली गेट यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का फोर बेडरूम आपको देखने को मिलता है। जो दोस्तों इस रूम की प्राइस जो आपको देखने को मिलती है वो मिलती है 2000 से लेकर 2250 तक का ये आपको रूम देखने को मिलता है। बाकी आप आएंगे और इनको बताएंगे कि भैया हम आपकी YouTube पे वीडियो देख के आए हैं, दीपांशु की वीडियो देख के आए हैं, तो आपको और थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप नहीं आओगे, सब्सक्राइब नहीं करा हुआ होगा तो ये डिस्काउंट नहीं देंगे भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके आइएगा, और अगर नहीं देते तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ये सिक्स बेड का रूम। तो दोस्तों अब मैं आपको जो रूम दिखा रहा हूँ वो मैं आपको रूम दिखा रहा हूँ सिक्स बेड का। तो अंदर आइए मेरे साथ में, मैं आपको पूरा रूम एक्सप्लोर कराता हूँ किस तरीके का आपको रूम देखने को मिलता है। बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही अच्छा आपको सिक्स बेड का रूम देखने को मिलता है। पहले क्लीनलीनेस देखिए, साफ सुथरा रूम है या नहीं है, आपको पूरी चीजें साफ सुथरी देखने को मिलती है। एसी कैबिनेट आपको देखने को मिल जाता है, आपको हर बेड के साथ में आपको एक कैबिनेट देखने को मिल रहा है। आप अपना सामान यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपनी विंडो मतलब सॉरी विंडो क्या अपने कबर आपको देखने को मिलती है। कुछ इस तरह की कबर्ड आप एक बार देख सकते हैं, आप एक बार दिखाइए किस तरह की कबर्ड आपको देखने को मिलती है। अपना सारा सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो सिक्स बेड रूम है, तो दोस्तों इसकी जो आपको प्राइस देखने को मिलती है वो मिलती है 2200 से 2500 रुपए तक के बीच के अंदर आपको ये रूम देखने को मिलता है। अगर आपको ये रूम अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि भाई मेरे को इसकी और डिटेल चाहिए, मेरे को इस रूम के बारे में और जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल रहे होंगे, आपको वीडियो में भी नीचे आपको इनके होटल के नंबर देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पे साइड में यहाँ पे कहीं पर भी आ सकते हैं। देखो अभी वीडियो शूट हो रही है तो जब नंबर आपको इधर कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और इनको फोन करके आप आ सकते हैं और इनको कॉल कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आप इसका वॉशरूम देख लेते हैं किस तरीके का वो वॉशरूम देखने को मिलता है। आइए दोस्तों, तो कुछ इस तरीके का आपको वॉशरूम देखने को मिलता है। आप देखिए किस तरीके का आपको एक स्पेशियस वॉशरूम देखने को मिलता है सिक्स बेड रूम के साथ, आपको ये वॉशरूम देखने को मिलता है इस होटल के अंदर। और साहिल होटल के अंदर आपको आना है, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉल करिए आइए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ जिसका मैं भी इंतजार कर रहा था और आप लोग भी इंतजार कर रहे हो, वो है एट बेडरूम। आप आ रहे हैं पूरा मोहल्ला या आप आ रहे हैं पूरा फैमिली या कितने भी जने हो, दोस्तों कोई भी हो, ये रूम आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और सबसे यूनिकनेस इस रूम के अंदर आपको देखने को मिलती है, इस प्रॉपर्टी की सबसे यूनिक चीज ही वही है। इस मतलब बोलते ना एक यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है इनका वो एट बेडरूम। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इनका एट बेडरूम, और जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और आपका भी शायद तक हो जाएगा अगर आप कोई वीडियो पूरी लास्ट तक देख रहे हो, तो देखना जरूर, सब्सक्राइब करते हुए जाना। आइए तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं एट बेडरूम देखते हैं। दोस्तों सबसे मजेदार रूम, सबसे ज्यादा यूनिक रूम और सबसे ज्यादा अच्छा रूम जो मेरे को लगा और जो आपको भी लगेगा, स्वागत है आपका एट बेडरूम के अंदर। और आइए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ सबसे यूनिक, सबसे अच्छा दरगाह बाजार में इससे बड़ी प्रॉपर्टी, इससे बड़ा रूम आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 रूम, आप 8 बेड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ज्यादा होंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड भी लगवा सकते हैं। अब आप सोचिए कितने जने यहाँ पे स्टे कर सकते हैं और कितने जने एक साथ यहाँ पे रुक सकते हैं। तो इस तरह कुछ आपको ये रूम देखने को मिलता है। और फैसिलिटीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है इस रूम के अंदर। सबसे पहली चीज तो यही होगी कि आपको ये इतनी बड़ी स्पेस देखने को मिलती है, आप मेरे सामने आप स्पेस देख सकते हैं। यह आपको सिटिंग देखने को मिलती है, अगर आप कुछ भी खाना चाहते हो, आपका जो भी लंच डिनर ब्रेकफास्ट आप करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। उससे पहले आप देखिए, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे आपका मिरर देखने को मिलता है। पहली चीज आपको तैयार होना है तो आपको ऑब्वियसली यहीं होना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पे आपका सारा सामान रखने के लिए कैबिनेट देखने को मिलता है, आपको कबर्ड देखने को मिलती है। आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके की आपको कबर्ड देखने को मिलती है। सामने आपको एसी कैबिनेट देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको टीवी कैबिनेट देखने को मिलता है, अच्छा खासा टीवी आपको देखने को मिल रहा है बड़ी साइज का। दो बाथरूम आपको देखने को मिलते हैं इस रूम के अंदर, आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको बाथरूम देखने को मिलते हैं। दो बाथरूम आपके सामने आपको देखने को मिलते हैं, ज्यादा स्पेशियस नहीं कहूंगा लेकिन कम भी नहीं कहूंगा, ठीक है, मोर देन इनफ बाथरूम है। अगर 7-8 जने हैं या 10 जने हैं या 12 जने हैं 15 जने मोर देन इनफ है कि आप आराम से स्टे कर सकते हो, रह सकते हो। तो अब दोस्तों मैं आपको इस होटल की और खासियत बता देता हूँ कि अपन को और क्या क्या इस होटल के अंदर खासियत देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ कि आप जो ये होटल है ये आपको 200 मीटर दूर दरगाह से मिलती है, दिल्ली गेट के पास में आपको ये होटल देखने को मिलती है। नीचे आपको नंबर आ रहे होंगे, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस होटल को बुक कर सकते हैं।
या इंक्वायरी भी करनी हो तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरी चीज आते हैं, आपको यहाँ से साइट सीन करना हो, अजमेर साइट सीन करना हो, पुष्कर साइट सीन करना हो, ट्रेवल से रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है, आपको बस की टिकट बुक करनी है, आपको फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, आपको एयर मतलब एयरपोर्ट ड्रॉप या आने की फैसिलिटी चाहिए वो भी आपको इधर से अवेलेबल हो जाती है, टैक्सी सर्विस चाहिए वो भी आपको अवेलेबल हो जाती है, जयपुर आगरा दिल्ली कहीं भी जाना है यहाँ से आपको सारी चीज अवेलेबिलिटी इनके थ्रू ही मिल जाती है। और सबसे अच्छी चीज कहूंगा मैं यहाँ पर, एक चीज जो बेस्ट है यहाँ पर कि आपको दरगाह के लिए जियारत के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ सपोर्ट मिलता है, यही आपको दरगाह जियारत करवा देंगे क्योंकि इनका अंदर कोई मतलब इनके नोन होंगे जो दरगाह जियारत आपको यहाँ से ही हो जाएगी और वो भी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस ये लेते नहीं है, आपको ये चीज भी मिलती है। उसके अलावा हॉट एंड कोल्ड वाटर आपको 24 आवर्स फैसिलिटीज मिलती है, फ्रंट डेस्क की आपको 24 आवर्स की फैसिलिटीज मिलती है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। बस एक चीज अब आपको करनी जो कि है सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना, वो कर दोगे तो और ऐसी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, और ऐसी ऐसी वीडियोस आती रहेगी तो आप लोगों को ही सहूलियत मिलेगी, आप लोगों को डायरेक्ट आ सकते हो, कमीशन से दूर रहने को मौका मिलेगा। तो इस चीज के लिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और नोटिफिकेशन आती वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों भेज दो। दोस्तों इस तरीके से आपको होटल स्टाइल देखने को मिलती है, और आप अगर आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको इनके मिल जाएंगे, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, ताकि और नई नई वीडियोस आपको इस होटल रिलेटेड मिलती रहे, दरगाह बाजार में होटल से रिलेटेड कहीं की भी होटल्स हो हम बनाते रहते हैं तो वो आपको मिलती रहे। और अगर आप अपनी होटल की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप नीचे दी गई मेल आईडी पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको नीचे नंबर भी मिलेंगे, तो आप दोनों चीजों पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपनी होटल की वीडियो बनवानी है तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज धन्यवाद आप लोगों का, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और जो अजमेर आ रहे हैं वो भाई जरूर लाइक करके जाना और जरूर शेयर करना अपने दोस्तों को जो कि आने वाले हैं या आ चुके हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए राम राम, थैंक यू।